हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और कोई और बात शुरू करूं उसके पहले आप आसमान देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साफ जगह पर नीले कलर से पेंट किया गया हो। एकदम डार्क आसमान नजर आ रहा था नीले कलर का। और अभी सुबह सुबह लाइट नहीं है, सम्राट पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो जुगाड़ कितना बढ़िया लगाया है। एमरजेंसी को उल्टा करके जग पर रखे हैं और इसको पूरा टेबल लैंप का रूप दिए हैं। मतलब जब जरूरतें आपके पास होती हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलने लगता है। इस बच्चे को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये सुबह 8 बजे उठता था, वो भी 10 बार जगाने पर, और अभी सुबह सिर्फ 5 बजे एक आवाज पर उठ जाता है। तो इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। अगर हम मन में कुछ संकल्प कर लेना, ठान ले किसी चीज़ को करने का ना, तो हमारे लिए कोई काम बड़ा नहीं होता है। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है। मैं इससे कई बार जाके पूछती हूँ कि सम्राट नींद तो नहीं आ रही? बोलता है नहीं मम्मी, नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए, वो अपना पढ़ाई करने में लगे थे। अभी तक तो अंधेरा था, अब थोड़ा सा उजाला हुआ है, तो सबसे पहले मैं आंगन साफ कर लूँगी, क्योंकि यहीं पर पितृ विसर्जन की पूजा होनी है। आज संडे है, तो सब लोगों ने आज अपने अपने पितरों को विदा किया होगा, तो ये पूरा आंगन ख़राब हो गया है। पहले बहुत ऊपर तक इसमें मिट्टी थी, लेकिन हर बार बारिश होती है और मिट्टी बह जाती है, तो लीपने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे साफ तो करना ही है, और वैसे भी ये आंगन इतना ऊबड़ खाबड़ अच्छा नहीं लग रहा था। और आप में से ही किसी सिस्टर ने मुझसे, शायद रश्मि ने कहा था, रश्मि राजपूत ने, कि दीदी आप जो ये ईंटें रखें ना, पूरे आंगन में ईंटें बिछवा लीजिए, तो आपके लिए बहुत आराम हो जाए। तो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा है। तो लीपने के बाद मैंने चढ़ा दिए चाय सबके लिए, और आज हम नहाए धोए नहीं हैं, नहाएंगे हम बाद में, क्योंकि आज पूरे घर की सफाई भी करनी है ना। पितृ विदा होते हैं ना, तो घर की सफाई की जाती है। तो मम्मी आज नहा धो के वो अभी पूजा का सामान बनाएंगी, तो मुझसे बोल रही कि थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा लेना, तो पूजा वाली पूरियाँ पहले निकाल के बाहर कर लेंगी, उसके बाद फिर सबके लिए इसी में पूरी बन जाएगी। और ये पुआ के लिए मैंने चीनी घोल के पहले से ही रख दी थी, मतलब चीनी डाल के पानी में रख दिए थे, थोड़ा जल्दी घुल जाता है ना, ऐसे तुरंत डाल के घोलो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मैंने आटा लिया है, और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मोन लगाने से पुआ बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम बिस्किट के जैसे। तो मम्मी बोल रही थी कि इसमें थोड़ी सी तिल्ली भी डाल दो, लेकिन पता नहीं किसी ने कहा कि ये जो पूजा वाला बनता है ना, इसमें तिल्ली नहीं डाली जाती। तो फिर मैंने सादा ये पुआ का आटा लगा लिया है, और अभी तो ये थोड़ा सा गीला है, लेकिन इसको अगर लगा के रख दो थोड़ी देर के लिए ना, तो एकदम टाइट हो जाता है, फिर बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए बाहर क्या हो गया है, इसी को कहते हैं मेहनत पर पानी फिरना। अभी लीप के गए 1 घंटे नहीं हुए, भगवान ने पूरे आंगन में पानी पानी कर दिया है। अब की बार ना पानी ने एकदम परेशान कर लिया है। और विराट के पापा गए थे तरोई का पत्ता लाने, तो जब गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन वापस जब आ रहे थे तब बारिश होने लगी थी, तो ये पत्ते भी भीगे आपको नज़र आ रहे हैं, और खुद भी भीग गए थे। मैं चिल्ला रही थी कि शर्ट भिगो गया है, अब सूखवा के लेके आए हो। बारिश में क्या करें, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, जो धुले कपड़े हैं वही नहीं सूख रहे हैं, और फालतू में वो वाली शर्ट भी भिगो दिए हैं। तो यहाँ पर पहले पुआ निकाल लेंगे, और ये आपको जो छोटी सी दिख रही है ना, ये पहला छोटा सा डाला जाता है तेल में, क्योंकि पहला और आखिरी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, चाहे रोटी हो चाहे पूड़ी हो, तो छोटी छोटी करके 2 डाल दी जाती पहले से ही, और उनको निकाल के फिर गौ माता को दे दिया जाता है। तो मम्मी आ गई नहा धो के, वो पुआ पहले तल लेंगी, उसके बाद फिर पूरियाँ निकालेंगी। और विराटू को पुआ देख के खूब लालच आ रही है, तो वो खुद को खुद से ही समझा रहे हैं, जब तक पूजा ना हो तब तक कोई सामान खाया नहीं जाता। हाँ, अभी पूजा हो जाएगी, उसके बाद खाना ठीक। आप तो बुधवार हो ना, बच्चा है, लेकिन फिर भी जानता है कि अपने मन को कैसे बहलाना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपने मन को बुरे कामों से बचाना। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम गलत है, फिर भी हमारा मन उसी काम को करने के लिए तत्पर रहता है। तो कुछ इसी तरह से अपने मन को बहलाते हैं हम बड़े भी, जैसे विराटू ने अभी कहा कि पूजा के पहले नहीं खाना है। बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था कि पानी बंद हो जाए, तो उसके बाद फिर पूजा शुरू हो, लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश चल रही है। तो हम लोग टीन के नीचे हैं, और मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं, क्योंकि ये आंगन में ही पूजा होनी है। तो मम्मी ने कहा अगर पानी तेज़ हो गया तब तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तरोई के पत्ते हैं ना, उन पर पूड़ी पुआ और खीर रखा गया है, इसी से पूजा हो गई है। बहुत लोग कच्चा खाना भी बनाते हैं, दाल चावल बड़ा कढ़ी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा झंझट रहता है, तो इसीलिए ये मीठे से ही पूजा हो जाती है। तो इसमें से 2-3 पूड़ी उठा ली गई हैं प्रसाद के तौर पर, और बाकी थाली में भरकर ऊपर रख दिया जाएगा कौओं के लिए। तो पूजा का काम तो ख़त्म हो गया है, अभी मेरे काम सारे फैले हुए हैं। और अभी सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, सबसे पहले ये प्रसाद ही खा रहे हैं। तो प्रसाद खाने के बाद अभी विराटू को बहुत तेज़ से भूख लगी है, बोल रहे हैं मम्मी मुझे सब्जी पूड़ी चाहिए। तो सब्जी तो मैंने अभी बनाया नहीं है, मैंने कहा खीर ले लो, तो कह रहा नहीं खीर नहीं चाहिए, मीठे से इसका मन भर गया है। दरअसल जब से पूजा हो गई ना, पुआ लेके खा रहा है केवल बस।
जिसका मीठे से दिमाग ख़राब हो गया है। और मीठे की बात करूँ ना तो मेरा भी मन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं खाली पेट कभी मीठा नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन आज प्रसाद के नाम पर मुझे खाना पड़ा तो इसी वजह से अंदर से पता नहीं कैसा मन हो रहा है, एकदम से जैसे लगता है ना कि उल्टी आ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक अचार ले लूँ, अचार थोड़ा सा चाट लें खट्टा खट्टा, तो हो सकता है कि मन सही हो जाए। तो सब्जी मैंने छोंक दी है पहले, क्योंकि विराट को सब्जी खानी थी। पहले सोचा था कि नहाने के बाद सब्जी चावल बनाएंगे, लेकिन इसको सब्जी खाना है तो सब्जी छोंक दिए, चावल बाद में बनाएंगे जब नहा लेंगे तब। तो यहाँ पर सबसे पहले जाले निकाल देते हैं सब जगह के, पितृ विसर्जन के बाद में जाले ज़रूर निकालना चाहिए घर से। और आपने नोटिस किया होगा कि जो जाले हैं ना घर के, वो लाइट की रोशनी में ज़्यादा नज़र आते हैं, दिन में उतना ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। तो मैंने क्या किया है ना कि अभी आंगन की लाइट जला दी, क्योंकि ऐसे कम दिखाई पड़ रहे थे। और लाइट जलने के बाद ना फिर जो थोड़े बहुत भी थे ना वो भी नज़र आ रहे हैं। और आंगन में जो ये बीच में जाली पड़ी ना, इस पर बहुत ज़्यादा जाला लगा है, क्योंकि ऊपर पन्नी पड़ी है और नीचे अभी 10-15 दिन जाले तो निकाले नहीं गए पितृपक्ष की वजह से, तो बीच में बहुत ज़्यादा जाला लगा था। तो वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और उसके बाद ये थोड़ी बहुत धूल मिट्टी गिरती है चाहे जितना करो, वैसे मैं धीरे धीरे कर रही थी जाले वाला काम ताकि नीचे ये चीज़ें ना ख़राब हों, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मिट्टी गिरी है। तो एक बार मैंने पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग कर दी है और उसके बाद लगाएंगे अब झाड़ू। और पिछले दिनों एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप बरगद की पूजा क्यों करती हो, मतलब इसका क्या महत्व है। तो ऐसा है ना कि बरगद जो है वो इस कलयुग में अजर अमर माना गया है, सबसे लंबा जीवन बरगद का होता है। और इसके पीछे एक और भी कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूँगी। जो ये पितृपक्ष चल रहा है ना, इसी टाइम पर जब भगवान वनवास में थे ना, जब उन्हें पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वो पितृपक्ष में गए थे जगन्नाथपुरी पिंडदान करने के लिए। तो पिंडदान करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, अभी भी लगती हैं, पहले भी लगती थी। तो राम और लक्ष्मण तो चले गए वो सामान एकत्र करने के लिए, और बची वहाँ पर सीता माता। और उसी टाइम पर एक मुहूर्त आया जब दशरथ जी की आत्मा आई और उसने कहा कि बेटा मुझे पिंडदान चाहिए, नहीं तो मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। तो सीता माता ने कहा कि पिताजी अभी तो कोई सामान नहीं, मैं पिंडदान किसका करूं? तो उन्होंने कहा जल्दी करो बेटा, ये जो रेत पड़ी ना तुम इसी से पिंड बना के मुझे दान दे दो, यही पाके हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या करती सीता माता, उन्होंने वही किया और उसके बाद फिर वो चले गए। अब हुआ क्या कि जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी वापस आए तो वो अपना पिंडदान की तैयारी करने लगे, तो माता ने बताया कि पिताजी आए थे और मैंने उनको पिंडदान दे दिया, वो चले गए। तब वो मतलब अचंभे में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनको चाहिए थी गवाही, गवाही तो खैर आज के ज़माने में भी लगती है, कोई काम करो और अगर सामने वाले को यकीन नहीं है ना तो हम लोग चार लोग इकट्ठा करते हैं कि भाई कोई तो सबूत दे दे, कोई तो गवाही दे दे जो कि हमारी बात सच हो जाए। तो वहाँ पर 5 लोग मौजूद थे जब माताजी ने पिंडदान किया था, एक गाय थी, तुलसी, सूर्य, जल और बरगद। तो उसमें से 4 लोगों ने झूठ बोल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान अभी पिंडदान करेंगे तो उसमें मेरा भी फायदा होगा। सच सिर्फ बोला बरगद ने, तो उसी को माताजी ने आशीर्वाद दिया था कि तुमको जो कोई भी पूजेगा ना उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, उसकी जो भी उम्र है ना युग के अनुसार वो अपनी पूरी उम्र जिएगा। तो कलयुग में तो अभी 100 साल की उम्र मनुष्य के लिए बताई गई है। और जिन 4 लोगों ने झूठ बोला था माताजी ने उनको श्राप भी दिया था, लेकिन उसके बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी। लेकिन आपको पता है अगर गवाही के लिए 4 लोग हों, उसमें से 3 लोग एक बात बोल रहे हों और चौथा कोई दूसरा बात बोल रहा हो, तो बहुमत का जमाना होता है भाई, जो 3 लोग जो बोल रहे हैं ना उसी को सच माना जाएगा। तो भगवान को विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि बरगद देव झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज दशरथ को दोबारा वापस आना पड़ा माताजी की बात को सच बताने के लिए। तो अभी भी सबूत के तौर पर गया जी में पत्थर का हाथ बना हुआ है दशरथ जी का पिंड लिए हुए, उनको हाथ निकाल के बताना पड़ा कि मुझे पिंडदान मिल चुका है। तो ये थी वो कथा, मुझे लगता है कि मैंने आप सबको अच्छे से पूरी कथा सुना दी। वैसे बहुत बड़ी कथा है ये, मैंने बिल्कुल संक्षेप में सुनाई है। सम्राट ये बना हुआ झंडा रखने के लिए देखो क्या लाए, दूसरा झंडा लाए हैं, भारत माँ के तिरंगे पर ये हनुमान जी का झंडा रखा जाएगा। बोल रहे हैं मम्मी इसी पे बना के सब रखिए, मम्मी हनुमान जी और भारत माँ के बीच प्रेम प्रकट होगा इसमें रखो, भारत माँ के बीच में हनुमान जी के बीच में प्रेम प्रकट होगा सही है भाई, अच्छा है। लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, उनको किसी से प्रेम नहीं हुआ है, वो क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, ना उनकी शादी हुई है ना उनको किसी से प्रेम हुआ है। और जो मम्मी उनके पुत्र थे क्या नाम था उनका, अरे मकरध्वज, हाँ हाँ वो क्या बोलते हैं मकरध्वज। तो वो जो मकरध्वज उनके पुत्र थे वो मतलब उनकी शादी तो हुई नहीं, तो वो कैसे हुए बताए, जब वो समुद्र में कूद पड़े थे तो उनके जो पसीना नहीं था वो एक मछली पी गई थी, तो उसी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। मम्मा क्या बोलते हैं, जब उसमें जब बनाओगी ना झंडा उसमें हनुमान भी बना देना ना, हनुमान जी का झंडा ना।
हनुमान जी का तो झंडा, लेकिन इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है कि उसमें झंडा में हनुमान जी की तस्वीर बना लेंगे। हम तो हम बना लेते हैं तस्वीर। अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तुम तो सब कुछ कर लेते हो। हम बना लेंगे, तो हम खाली हमको हनुमान की कोई फोटो दिखा दो बस हम बना लेंगे। सुनिए आप लोग, इनको हनुमान जी की फोटो दिखा दो तो बना लेंगे, और क्या, इतने बड़े काबिल हैं। तो चलिए आज यहीं पर अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक जरूर करना, बेल बटन भी जरूर दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना।